अच्छा था। पर दाल मखनी मेरे को पूरा था वो। हाँ बोलो। सो ओवरऑल हमें 2 से 3। ओ सो ओवर ये 749 वाला बॉक्स मिला है जस्ट 391 रुपीज में। हे हंग्री लायंस, हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि तुम लोग सब लोग सेफ हो। सो यार मुंबई में आप सबको पता है क्या हाल है। आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड। सो आप सबके लिए वीडियो तो लाना बनता था, राइट? तो वीडियो हम लाए हैं एंड हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट जो है वहां से लाए हैं, वन एंड ओनली बारबेक्यू नेशन। सो भाई यहाँ से हम लोग आपके लिए कुछ डिलीवरी का आइटम लाए हैं। अभी तक हमने डाइनिंग किया है और हमारा एक्सपीरियंस हमेशा एक्सीलेंट रहा है। तो आज के दिन बिकॉज रेस्टोरेंट बंद है, वीडियो चाहिए है तो लाना तो था ही। तो बारबेक्यू नेशन ने यूबीक्यू इन अ बॉक्स करके एक चीज इंट्रोड्यूस की है। मतलब जो सारे एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे डाइनिंग में मिलते हैं, सारे के सारे जो वराइटीज है फूड की वो आपको इस बॉक्स में मिलने वाले है। और ये बॉक्स है ना बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत सारी वेरायटी है जो तुम्हें घर बैठे आराम से खाने मिल जाएगी, जो तुम्हें हमेशा डाइनिंग में मिलती है। हाँ जी, तो एक काम कर सकते हैं, एक बॉक्स आराम से 2 से 3 लोगों के लिए इनफ है। आप लोग एक्साइटेड हो ये देखने के लिए? क्या कमेंट में फटाफट लिखो कितने एक्साइटेड हो यार। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग एक फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्सिंग का वीडियो देखो और कमेंट करो आपको इसमें से सबसे फेवरेट चीज कौन सी है पूरा बॉक्स ओपन होने के बाद। समझ गए ना, अभी के अभी कमेंट नहीं करना है। हम लोग जब तक इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @hungrylion03 एंड foodietrj, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो एक काम करता है, फटाफट अनबॉक्स करते हैं मोस्ट अवेटेड बॉक्स विच इज बारबेक्यू नेशन बॉक्स। मतलब ये जो रेस्टोरेंट है यार, ये इसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड सर्विस और फाइनली उनका डिलीवरी बॉक्स हमारे पास आ गया। एक्चुअल बॉक्स का कॉस्ट है 749 पर हम लोग को 391 में मिला। ऑलमोस्ट हाफ। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिकॉज वो जो ट्रिक है वो मैं बीच में या एंड में कहीं भी डाल सकता हूँ। तो ये लोग क्या कुछ, मतलब आप लोग स्किप कर ही नहीं सकते ना भाई, समझ गए ना? आप स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। लेट्स सी अंदर क्या क्या है। तंदूरी पाइनएप्पल एंड कॉर्न टिक्की, मशरूम टिक्का एंड पनीर टिक्का, क्रिस्पी कॉर्न एंड वेज कबाब। क्रिस्पी कॉर्न आई बिलीव सबको बहुत पसंद है, राइट? तो दिस इज हाउ सैलेड लुक लाइक, वेज बिरयानी एंड यू कैन सी द पोर्शंस। ये एक वेजिटेबल है, अब वो कौन सी है वो हम खा के बताते हैं आपको। हमारा फेवरेट चीज मे बी पनीर की कोई सब्जी है, पनीर पसंद था एज पर मेन्यू, अभी देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। मूंग दाल हलवा, अंगूरी गुलाब जामुन, अपनी केसरी फिरनी और ये डिप है मिंट एंड कर्ड की डिप, और ये है लच्छा पराठा। 2 लच्छा पराठा मेरे को मिला है। बस ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इन 749 और हमारा वीडियो पूरा देखोगे एंड तक तो उसमें भी डिस्काउंट मिलना है। टीडी वगैरह जो भी है पैकेजिंग आपने देख ली, जो कि काफ़ी नीट एंड सेफ है। तो भाई अपना बारबेक्यू नेशन एट होम रेडी हो गया है, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास। तो तू किसे स्टार्ट करेगी? स्टार्टर है तो स्टार्टर से ही स्टार्ट करेंगे ना, बट ऑब्वियस है। रेडी वर इसका लग गया है तुक्का। ऑलमोस्ट 6 स्टार्टर्स है हमारे पास। पनीर टिक्का से स्टार्ट करूंगा विद मिंट की डिप। खाते खाते मुंह में पानी। पनीर है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इनको बहुत अच्छा लगता ही है वैसे भी। मुझे लग रहा है I don't like mushroom. तो आप पहले ट्राई करो, प्रॉपर रिव्यू आप ही दो। मशरूम लवर्स। तो पनीर जो है ना, दिस इज नॉट वेरी सॉफ्ट जो हम लोग को हमेशा बारबेक्यू नेशन से एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मैरिनेशन इज टू गुड,
बट पनीर की जो क्वालिटी है, फर्स्ट टाइम एवर बारबेक्यू नेशन में हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई विद पनीर स्टार्टर्स. मिलती है तंदूरी पाइनएप्पल. सो आलू मटर की टिक्की देखते टेस्ट में कैसा है. सारे फ्लेवर एकदम एनहेंस होके आ रहे हैं. स्पेशली इसमें जो मिर्ची का पंच है ना, बहुत अच्छा लग रहा है. तो घर पे बैठ के आपको इतने सारे डिलीशियस फूड मिल रहे हैं यार. मेरा फेवरेट दो. ये लो ये लो. मैं शमी कबाब खाऊंगा, तू क्रिस्पी कॉर्न खाऊंगा. चलो ठीक. सो सॉफ्ट एंड फ्रेश. पर आप वो टेस्ट करके बताओ. शमी कबाब इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, खड़े मसाले, बट उसमें हल्का सा सॉल्ट ज्यादा लगा मेरे को. छह स्टार्टर्स है, एकदम डिफरेंट है. बाय डिफॉल्ट आपको ऐप में, आप जब ऑर्डर करोगे तो आपको ऐप में सब कुछ नजर आएगा कि आपको क्या क्या वैरायटीज मिलने वाली है. अभी एक काम करते हैं, फटाफट अभी स्टार्टर तो हो गया ना, अभी हम लोग मेन कोर्स की तरफ देखते हैं कि मेन कोर्स में क्या क्या. तो मेन कोर्स में है हमारे पास, तेरे पास क्या है? मेरे पास बिरयानी है, वेज बिरयानी. वेज बिरयानी ऊपर दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है. और ये माँ के हाथ की दाल और दाल मखनी और बहुत सारी चीज, इसके नाम है सब एक ही है. इसका अरोमा बहुत अच्छा है. सारे जो गरम मसाले उसके अरोमा बहुत बहुत अच्छे से आ रहे हैं. हाँ, let's see टेस्ट में कैसा है इसका. और तू तब तक जो टेस्ट कर रही है ना, मैं बताता हूँ कि दाल मखनी जो है ना काफी ज्यादा स्मूथ है. टेक्सचर देखिए इसका, क्रीमी बटरी और लुक में भी ठीक है ना. बिल्कुल बिल्कुल. और टेस्ट भी अच्छा. मैं दाल मखनी है ना लच्छा पराठा के साथ ट्राई करता हूँ. लच्छा पराठा कड़क है, ये रेडीमेड लच्छा पराठा लग रहा है मेरे को. रेडीमेड है, रेडीमेड है. वाओ बिरयानी, वाओ भैया. क्यों हो गई बिरयानी, कैसी है टेस्ट में? अच्छी है. इसमें बिरयानी में उन्होंने कॉर्न, पनीर, सोयाबीन, मटर, मटर तो रहते हैं नॉर्मली, ये सब कुछ डाला हुआ है. मुझे वापस एक ही कंप्लेन है, पनीर थोड़ा हार्ड है. की क्वालिटी आज की थोड़ी डिसअपॉइंटेड है. बिरयानी है सुपर, मतलब जो बिरयानी के मसाले है वो सब अच्छा है, प्लस अरोमा, प्लस जो जो भी फ्लेवर्स होते हैं वो सब बहुत सही है. बट पनीर की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टर्स, इन टर्म्स ऑफ मेन कोर्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है उसमें. नेवर्थलेस लेट्स मूव ऑन टू सब्जी. सब्जी का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जुली सब्जियों का मेला. तो जितनी सब्जी कल बची हुई थी ना सब डाल दिए उन्होंने, ऐसा लग रहा है. मतलब इसमें कॉर्न है, मटर है, गाजर है, बीन्स है, टमेटो की ग्रेवी है, कैप्सिकम है और बहुत सारा टेस्ट है. अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है. हाँ मैं पनीर खा लूं. इसमें पनीर कैसा है? कड़क कड़क, मतलब इन शॉर्ट आज थोड़ा हार्ड है पनीर. और ये पनीर टिका है, जो पनीर था और बिरयानी में जो पनीर था ना वो काफी हार्ड था, पर ये सब्जी में थोड़ा बेटर है. और ये पनीर पसंद है एज पर मेन्यू, बट पनीर पसंद है ये रियलिटी में नहीं है. पनीर पसंद है इज लाइक पनीर की सैंडविच जिसमें काजू वगैरह का ग्रेवी होती है. तो दिस इज मोर लाइक पनीर टिक्का, बट इन्होंने पनीर पसंद है बोला, आई डोंट नो क्यों. तो पनीर का ग्रेवी भी मेरे को ओके लगा. हाँ, ग्रेवी ये ज्यादा अच्छा है जो मेला है सब्जियों का. फॉर अ चेंज हंग्री लायंस पहली बार ये बोल रहा है कि पनीर की सब्जी से अच्छी सब्जी कोई दूसरी है. समझ गए, हम लोग हमेशा नहीं है यार ऐसे. तुम लोग यार इतना जल्दी जज मत किया करो, समझ गए. हमेशा ऐसा नहीं पनीर पनीर हम करते हैं. आज देखो हमने वेजिटेबल को
मौका दिया है। अंगूरी गुलाब जामुन जो कि मैं पूरा का पूरा ये डब्बा खा जाऊंगा, डेजर्ट में कुछ भी पड़ा हो, गुलाब जामुन हो तो ये खत्म। तू क्या खा रही है? फिर नहीं खा रही है यार नहीं, मैं मूंग दाल हलवा? मूंगदा हलवा मूंग दाल हलवा एनी डे यार, मूंग दाल हलवा इज लव यार। अंगूरी गुलाब जामुन यार मस्त। ना घी डाला हुआ है ना लोगों ने, पूरा ऊपर घी फ्रीज हो गया। अंगूरी गुलाब जामुन एग्जैक्टली वही टेस्ट है जो आपको डाइनिंग में मिलता है। और मूंगदा हलवा भी बहुत अच्छा है, नॉट बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं और कम भी, एकदम बैलेंस्ड है। घी भर भर के डाला है इसलिए मे भी शायद बहुत अच्छा लग रहा है, रहा नहीं गया ना। और बहुत स्मूथ टेक्सचर है सच में, माइंड ब्लोइंग। सो डेजर्ट में गुलाब जामुन इज द किंग। हाँ फिरनी है ना ये, केसरी फिरनी। केसरी फिरनी जो मेरे को डाइनिंग में मिली है ना, उससे ज्यादा अच्छी ये वाली लगी है मेरे वो को। अरोमा देखो ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सही है केसर वगैरह का। मतलब जिसने भी बारबेक्यू नेशन का वीडियो देखा उसने ऑलमोस्ट ये सब सारी चीजें देखी, जो कि उनका मेन्यू जो होता है वो काफी सेम होता है ऑलमोस्ट। एक चीज बहुत मिस कर रही हूँ मैं, क्या? कजिन्स। हाँ यार कजून स्पाइस पोटेटो, कजून स्पाइस पोटेटो यार आई होप आप सबको याद है, नहीं याद है तो फटाफट मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ अपना बारबेक्यू नेशन का वीडियो, फटाफट जाके देख लो। का सिग्नेचर डिश है, बस वही हाँ मिस कर रही हूँ, बाकी यहाँ पे जितना भी दिया है बहुत सब अच्छा अच्छा है है। एक्सेप्ट फॉर पनीर, हाँ पोर्शन साइज इज गुड कंपैरेटिवली कंसिडरिंग द प्राइस 749 में, बिकॉज नॉर्मली आप लेने जाओ एक सब्जी वगैरह तो अराउंड 200 से 300 रुपए आराम मिनिमम से हो जाएगा। प्राइस होती है, तो जो पोर्शन साइज है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली जो भी आपको आला कार्ट मेन्यू में मिलता है, प्लस टेस्ट वाइज ऑन पॉइंट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट 2 to 3 people आराम से खा सकते आराम हैं। से खा सकते हैं। मतलब फैमिली के लिए बता ना, पेरेंट्स की बहुत बार थिंकिंग होती है यार कौन पर पर्सन 600 700 800 दे, तो उनके लिए भाई 800 में आप ऑलमोस्ट अगर दो लाओगे तो फैमिली ऑफ 5 or 6 खा सकते हैं आराम आराम से, से। और इतनी सारी वैरायटी आपको मिलेगी जो कि आला कार्ट में यू कांट डू दैट। नहीं देर से बेचारे डिस्काउंट डिस्काउंट बोल रहे, तो बताओ लोगों को कि डिस्काउंट मिला कैसे। तो फिर सुनो ध्यान से सुनना और किसी को बताना नहीं, ये सिर्फ अपन दोनों के बीच में रहने वाली है ये बात, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बारबेक्यू नेशन ऐप से मैंने ये जो यूबीक्यू बॉक्स है वो ऑर्डर किया, जो कि 749 वाला वेजिटेरियन बॉक्स। तो यार ऐप से ऑर्डर करने का रीजन क्या था, सबसे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, वी पेड फॉर दिस, बट ऑफर अच्छा था इसलिए आपको बता रहे हैं। नेशन ऐप से आप कोई भी बुकिंग करते हो, चाहे वो डाइनिंग का हो चाहे वो टेक अवे हो, आपको उसमें 5% कैशबैक इन टर्म्स ऑफ स्माइलीज पॉइंट मिलते हैं। तो मेरे प्रीवियस बुकिंग पे मेरे को 177 रुपीज का स्माइली मेरे पास ऑलरेडी था, तो 799 माइनस 177 प्लस 500 के ऊपर के कोई भी ऑर्डर पे फ्लैट 200 रुपीज का ऑफ है। सो उसका मतलब हो गया 749 में से 200 रुपीज फ्लैट ऑफ, जो कि हो गया 549 प्लस 177 और कम हो गए जो कि मेरे स्माइली पॉइंट्स में थे, तो इस तरीके से मेरे को जस्ट ये 391 में मिला, प्लस जो 391 है उस पे भी मेरे को 5% अगेन कैशबैक मिलेगा मेरे बारबेक्यू नेशन ऐप में। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, बारबेक्यू नेशन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, नहीं है पेड प्रमोशन नहीं है ना ये तो अगर बारबेक्यू नेशन से कोई देख रहा है तो भाई देख लो, इधर भी बारबेक्यू नेशन ऐप में आप लोग जाओ और चेक कर लो फटाफट आपके एरिया में वो डिस्काउंट एप्लीकेबल है या नहीं है, मेक श्योर कि अगर आपको वो डिस्काउंट मिले तो भाई कमेंट में आके हमें बताओ। तो ओवरऑल रिव्यू में हमें एक्चुअली ओवरऑल ऑर्डर सब कुछ अच्छे लगे, बट प्रॉब्लम इज कि दो आदमी का खाना नहीं है वो 3 से 4 का है, तो वो प्रॉब्लम है या बेनिफिट है वो आप लोग डिसाइड करोगे। डाइनिंग और टेक अवे देखा हम दोनों ने, देख दोनों चीज हम लोग ने देखी है, पर हम लोग को टेक अवे भी ज्यादा अच्छा लगा एंड वर्थ लगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इकोनॉमिकल भी है, हाँ, प्लस सेफ भी है, सेफ भी है, बिकॉज 749 में अराउंड 3 से 4 लोग मीडियम खाने वाले खा सकते हैं। ओवरऑल हमें 2 से 3 चीज पसंद नहीं आई है, दाल मखनी, पनीर पसंद था और पनीर टिक्का जो भी था सब्जी एंड लच्छा पराठा, ये 3 चीज हमें इतनी अच्छी नहीं लगी, दैट वाज ओके इश फॉर अस, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स वाज माइंड ब्लोइंग। तो एट दिस प्राइस रेंज ये बहुत सही डील है। तो यार ऐसे सब टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग।
ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें काफी ज्यादा मजा आया खाना खा के, बिकॉज बारबेक्यू नेशन इज लाइक हमारा सेकेंड होम है। हम लोग कम से कम 10 से 12 बार जा चुके हैं, सो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, समझ गए। तो फिर एक काम करते हैं, अभी इसको यही खत्म करते हैं, इस वीडियो को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हंग्री, स्टे फूडी, जस्ट लाइक अस।